नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। इस कार्यक्रम में हम इतिहास की बात तो करते ही हैं, लेकिन साथ में समकालीन दुनिया में जो घटना हो रही है उसका इतिहास के साथ कनेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं और अंतर्द्वंद को भी एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी फोकस इतिहास पे ज्यादा हो जाता है तो कभी एम्फेसिस जो है जो आज जो घटित हो रहा है उस पर होता है। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हमारा एम्फेसिस थोड़ा ज्यादा समकालीन परिस्थितियों पर है, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो हो रहा है इससे हम अलग नहीं रह सकते। सिर्फ इतिहास की बात नहीं किया जा सकता है। अभी हाल ही में गाजियाबाद पुलिस ने एक ऑर्डर जारी किया, कहा कि जो COVID-19 के ड्यूटी में तैनात कांस्टेबल हैं, उनकी ड्यूटी आवर्स 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दी जाए। जब से नेशनल लॉकडाउन अनाउंस किया गया था तब से ये इतनी लंबी ड्यूटी कर रहे थे और इसी पीरियड में अपना बाकी सब कुछ भी मैनेज कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि उनका स्ट्रेस लेवल और उनकी निजी जिंदगी में बहुत इम्पैक्ट हो रहा था। इसी वजह से ड्यूटी आवर्स को 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दी गई है। लेकिन गाजियाबाद पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं, इनकी तरह लकी भारत के बाकी श्रमिक नहीं है। पिछले दिनों कई राज्यों के सरकारों ने लेबर लॉज में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने 1948 की फैक्ट्रीज एक्ट में एक बहुत की अमेंडमेंट किया है, जिससे जो श्रमिक हैं इनके जो वर्क आवर्स हैं ये 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे तक कर दिया गया है। ये एक्सटेंडेड आवर्स इनके अभी तक के लिए जुलाई के अंत तक रहे। राजस्थान और पंजाब की सरकार ने अनाउंस किया है कि वो नॉर्मल ओवरटाइम देंगे। उसका मतलब है कि जो एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं इसके लिए उनको डबल तनख्वाह मिलेगी। तो अगर कोई 100 रुपये रोज उसको वेजेस मिलते हैं तो उसको टोटल 100 रुपये 8 घंटे के लिए और बाकी 4 घंटे के लिए जो 50 रुपया है उसका डबल 100 रुपये मिलेगा, मतलब टोटल उसको 200 रुपये मिलेंगे। लेकिन वहीं दूसरे तरफ गुजरात और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बोला है कि जो ओवरटाइम पीरियड है उसमें प्रोपोर्शनेटली वो तनख्वाह देगी। तो मान लीजिए किसी को 100 रुपये अगर मिलते हैं तो उसको 4 घंटे एक्स्ट्रा के लिए 50 रुपये और मिलेंगे, तो उसका टोटल वेजेस 150 होगा। 48 घंटे प्रति सप्ताह का वर्क शिफ्ट या टोटल वर्क आवर्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या ILO द्वारा मैंडेटेड है। ILO का पहला कन्वेंशन आवर्स ऑफ वर्क इंडस्ट्री कन्वेंशन 1919 में एडॉप्ट हुआ था। हिंदुस्तान ने 1921 में इसको रेटिफाई किया। उस समय ILO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑफिस होता था, लेकिन हिंदुस्तान में या भारत में 8 घंटे की शिफ्ट रेगुलरली और लीगली परमिसिबल होने में बहुत साल और लग गए। ILO का पहला कन्वेंशन 29 अक्टूबर 1919 में वॉशिंगटन में हुआ था। ये दुनिया के सबसे पुराने लेबर लॉज में से एक है। दरअसल 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक ये एक आम समझ हो गई थी कि एक्सटेंडेड आवर्स होने की वजह से ना तो प्रोडक्शन बढ़ता है लेकिन श्रमिकों के स्वास्थ्य पे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। हमने अभी जिन 4 राज्यों में लेबर लॉ में अमेंडमेंट की बात की थी उसके पहले बात चली थी कि केंद्र ये संशोधन लेके आएगी पूरे राष्ट्र में। इस बात को अप्रैल के 2 सप्ताह में चलाई गई थी, फिर इस पर काफी डिस्कशन हुआ और फिर इसको छोड़ दिया गया, क्योंकि ये लगा कि अगर केंद्र की तरफ से इस तरह की एक सेंसिटिव अमेंडमेंट आता है तो बहुत कंट्रोवर्सी हो जा सकती है, खासतौर से कोविड के माहौल में जब ऐसे ही श्रमिकों
कि हालत काफी खराब है, तनख्वाह नहीं मिल रही है, बहुत सारे लोग घरों की तरफ जा रहे हैं, कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो इसकी वजह से इसको अबैंडन कर दिया गया। इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है कि स्टेट्स को हल्के से प्रॉड किया गया यानी कि वो इस अमेंडमेंट को लाएं, लेकिन इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब COVID-19 के बाद लॉकडाउन खुलेगा, खैर अभी भी स्थिति ये है कि कुछ तो फैक्ट्रीज चल रही हैं, लेकिन जो कहते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को रखते हुए कारीगर कम हैं, तो इसी वजह से शिफ्ट्स की लंबी को लंबा करना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, हमको सप्लाई लाइंस मेंटेन करनी होगी। तो केंद्र को शंका ये थी कि अगर हम लोग ये कानून लेके आते हैं, अमेंडमेंट अगर करते हैं, तो पॉलिटिकली सेंटर पे या बीजेपी पे बैकफायर कर सकती है, इसीलिए उसको अबैंडन करके स्टेट्स द्वारा इसको किया गया ताकि केंद्र में सेंट्रल ट्रेड यूनियंस जो हैं इनकी नजर ना पड़े, तो ये किसी तरह से पास हो जाए। एक्सटेंडेड शिफ्ट आवर्स का इंट्रोडक्शन, 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे का शिफ्ट का इंट्रोडक्शन ठीक मई दिवस के पहले बहुत ही आयरॉनिक है। हमें ये याद रखना चाहिए कि 19वीं शताब्दी में अमरीकी श्रमिकों का जो आंदोलन हुआ था उसके मुख्य डिमांड 8 घंटे का शिफ्ट था, जिससे ये जाके यूनिवर्सल हुआ। 19वीं शताब्दी के मध्य डेकेड्स तक ये एक तरह से सोच बन गई थी कि हम लोगों को वर्क आवर्स कम करना चाहिए और इस मुद्दे पर वर्कर्स एकत्रित होने लगे थे, ट्रेड यूनियंस भी इस डिमांड को आर्टिकुलेट करने लगे थे। 7 से 10 अक्टूबर 1884 तक इस बीच में फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडर्स एंड लेबर यूनियंस का नेशनल कन्वेंशन अमेरिका में हुआ था। शामिल डेलीगेट्स में 20 से ज्यादा राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और लोकल यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव थे, हर तरह के काम करने वाले श्रमिकों के रिप्रेजेंटेटिव थे, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो ग्रेनाइट कटर्स हो, चाहे वो दर्जी हो या फिर फर्नीचर का काम करने वाले हो। इसमें सबसे अहम फैसला था 8 घंटे का शिफ्ट। गैब्रियल एडमॉन्स्टन जो कारपेंटर्स यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव किया था। उस रेजोल्यूशन के वाक्य हैं, रिजॉल्व बाय द फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडर्स एंड लेबर यूनियन that 8-hour shift shall constitute a legal day's labor from the 1st of May 1886. 2 साल का वक्त दिया उन्होंने, and that we recommend to labor organizations throughout this jurisdiction so that they can direct their laws to conform to the resolution by the time that has been declared. लेकिन मालिक और सत्ता इतनी आसानी से क्यों माने? कन्फ्रंटेशन हुआ। 1 मई 1886 को आंदोलन शुरू हो गया। 3 लाख श्रमिकों ने स्ट्राइक कर दिया और काम पे जाने से इनकार किया। उनका नारा था सिर्फ एक लाइन, 8-hour day, नो कट इन पे। 8 घंटे की ड्यूटी, कोई तनख्वाह में कटौती नहीं। शिकागो में ये आंदोलन केंद्रित था। 3 मई 1886 को आंदोलनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग की। फायरिंग मैकॉर्मिक हार्वेस्टिंग मशीन कंपनी के प्लांट पर उसके बाहर हुआ। ये फैक्ट्री में लॉकआउट काफी दिनों से चल रहा था। फायरिंग में कई श्रमिक मारे गए और बहुत से घायल हुए। अगले दिन दूसरे जगह पे श्रमिक इकट्ठे हुए और जगह से और ज्यादा मात्रा में। इस जगह का नाम था हे मार्केट स्क्वायर। ये एक तरह से एक आइकॉनिक जगह है। पुलिस बंदोबस्त जबरदस्त थी जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। इतिहासकार पॉल एवरेज ने लिखा है, देयर सीम्स टू प्रीवेल द ओपिनियन इन सम क्वार्टर्स दैट दिस मीटिंग
had been called for the purpose of inaugurating a riot. Hence these warlike operations on part of so-called law and order. However, let me tell you at the beginning that this meeting has not been called for any such purpose. The objective of this meeting is to explain the general situation of the 8-hour movement and to throw light upon various incidents in connection with it. Raat 10:30 baje police meeting sthal par pahunchi. Kaha ki meeting band kar dijiye. Meeting ke organizers ne kaha kyun kare? Meeting to bilkul shanti purvak chal rahi hai. Arguments hue. Usi mein kahin ne kisi ne ek bomb phenk diya. To ek पुलिस कर्मी मारा गया। उसके बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। 4 श्रमिक मारे गए और करीब 70 लोग घायल हुए। कई और पुलिस कर्मी भी मारे गए। 8-hour शिफ्ट तो नहीं मिली तुरंत, परंतु श्रमिकों का आंदोलन और मजबूत हो गया इसके बाद। मई 1886 की घटनाओं को हर साल 1 मई को कमेमोरेशन के तौर पर मनाने की प्रथा शुरू हो गई। 1889 में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर ने पेरिस में 1890 में आयोजित होने वाले सेकेंड इंटरनेशनल के ऑर्गेनाइजर्स को मैसेज दिया कि 1 मई 1890 को फिर से अमरीकी वर्कर हड़ताल करेंगे। सॉलिडारिटी में सेकेंड इंटरनेशनल ने 1 मई 1890 को पहला इंटरनेशनल वर्कर्स डे घोषित किया। दुनिया भर में इसको मनाया गया। वर्कर्स हर जगह बाहर निकले। अगले दिन 2 मई 1890 को हर अखबार में ये खबर छाई रही। किसी ने हेडलाइन दिया, परेड ऑफ जुबिलेंट वर्किंग मैन इन ऑल द ट्रेड सेंटर्स ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। तो किसी ने कहा कि एवरीवेयर द वर्कमैन जॉइंड इन डिमांड फॉर अ नेशनल एंड अ नॉर्मल डे। उसके बाद से मे डे या मई दिवस एक तरह से वार्षिक इवेंट या फिर एक सेलिब्रेशन का मौका रहा है। भारत में सबसे पहली बार 1923 में मई दिवस मनाया गया। इसको मनाने वाले थे एम सिंगारावेलु चेटियार। उन्होंने इस प्रथा को तब शुरू किया जब उन्होंने लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की। वो उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए थे। हिंदुस्तान में विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 1990 से मे डे को एक नेशनल पेड हॉलीडे के तौर पर अनाउंस किया। तब से वही प्रथा चली आ रही है। विडंबना है कि COVID-19 या कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्ट हुआ है, सबसे ज्यादा अगर किसी की जिंदगी उथल पुथल हो गई है, तो वो है भारत का श्रमिक वर्ग। बहुत ही दुख की बात है कि इस अवसर पर, मई दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री को हमारे श्रमिक याद नहीं आए। हर मुद्दे पे ट्वीट करने वाले नेता का टाइमलाइन इस इशू पे साइलेंट रहा। गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस तो उनको याद रहे, लेकिन हिंदुस्तान के श्रमिक को वो भूल गए। लॉकडाउन की वजह से हिंदुस्तान के श्रमिक बहुत ही परेशान हैं। घर परिवार से दूर, उनको पता नहीं कि वो काम की जगह पे रहेंगे या अपने परिवार के साथ जाके कुछ वक्त बिता पाएंगे। पैसे का अभाव है, खाने की चीज की कमी है। मई दिवस इस साल तो बीत गया, लेकिन हम आपको हर दिन हमारे श्रमिकों को, हमारे नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करना चाहिए। लेबर और वर्कर्स को फेयर और जस्टिफाइड
वेजेस मिलने चाहिए, लेबर और वर्कर्स को फेयर और एडिक्वेट वेजेस के अलावा डिग्निटी चाहिए, कोई और देना दे, कम से कम हम और आप तो दे सकते हैं। मई दिवस के दिन हम अगर लेबर को उसको रिस्पेक्ट करना सीखे तो मई दिवस को हम अच्छी तरह से हर साल मना सकेंगे। नमस्कार। Thank you.